भूत प्रेत। भूत प्रेत कहने से ऐसे अदृश्य मनुष्यों का बोध होता है जिनका स्थूल शरीर भी मर चुका है। लोगों का मोटा ख्याल है कि मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है। यह बात मृतकों के ऊपर लागू नहीं। बहुत से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ विश्राम की मधुर निद्रा में सो जाते हैं। बहुत थोड़े प्राणी ऐसे रहते हैं जिन्हें भूत बनना पड़ता है। आर्य ग्रंथों में प्रेत शब्द निंदा सूचक अर्थ के साथ व्यवहृत हुआ है। इसे पाप योनि माना गया है। तीन वासनाओं की उग्रता के कारण जीव परलोक यात्रा की स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देता है और आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लौट पड़ता है। सूक्ष्म लोक में विश्राम लेकर कृत कर्मों का फल भोगते हुए नवीन जन्म लेने के स्थान पर पिछले जन्म की ओर वापस चलता है। पूर्व जीवन से अथवा किसी प्रियजन से अत्यधिक मोह होने के कारण या किसी ईर्ष्या द्वेष में अनुरक्त होने पर मृतात्मा जहां का तहां ठहर जाता है। उसकी आंतरिक स्फुरणा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पर वह किसी की नहीं सुनता और वहीं का वहीं अड़ा रहता है। जीवन भर की थकान, कर्मों का भार, इन दोनों के कारण से वह बड़ा बेचैन रहता है। राग द्वेष की इच्छाएं, शरीर पात का लोभ, यह सब भी कुछ कम दुख न देते। इसके अतिरिक्त स्थूल लोक के अधिक संपर्क में रहने के कारण उसकी इंद्रियों में भी स्थूलता का अधिक भाग आ जाता है। अतएव वह भोग पदार्थ की भी इच्छा करता है। यह सब विषम स्थितियां मिलकर प्रेत को बड़ा बेचैन बनाए रहती हैं। वह व्याकुल, पीड़ित, आतुर और दुखित होता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरता है। ऐसी घटनाएं हमारे सुनने में आती हैं कि अमुक स्थान पर भूत रहता है, बीमार कर देता है, पत्थर फेंकता है या उपद्रव करता है। सहायता करने की अपेक्षा भूतों द्वारा हानि पहुंचाने के समाचार अधिक सुने जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भूतों को मानसिक उद्वेग अधिक रहता है। इंद्रिय लिप्सा या मोह श्रृंखला में बंधने के कारण ही वे इस दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें स्वादिष्ट भोजनों की चाटुकारिता और मादक द्रव्यों की आदत, नाच तमाशों में अभिरुचि, मैथुनेच्छा विशेष रूप से होती है, जिन्होंने जीवित अवस्था में इंद्रियों को इन खराब आदतों का गुलाम बन जाने दिया है, वे विवश होकर मृत्यु के उपरांत भी इन्हीं वासनाओं से ग्रसित किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके माध्यम द्वारा अपनी तृप्ति करने के लिए उन पर अपना अट्टा जमा लेते हैं और उनकी इंद्रियों द्वारा स्वयं तृप्ति लाभ करने की चेष्टा करते हैं। कहा जा चुका है कि भूतों की वासनाएं बहुत नीची श्रेणी की होती है, इसीलिए वे वेश्यालय, मदिरालय या ऐसे ही अन्य त्याज्य स्थानों में विशेष रूप से मंडराते रहते हैं। इन स्थानों से संबंध रखने वाले लोगों के शरीर पर यह भूत गुप्त रूप से अपना अड्डा जमाते हैं। वे मनुष्य यद्यपि उनको नहीं पहचान पाते, पर इतना तो अनुभव करते ही हैं। त्याज्य स्थानों पर जाते ही उनकी वासना असाधारण रूप से उत्तेजित होती है। भूत होते तो हैं, पर बहुत ही कम संख्या में होते हैं, क्योंकि भूत योनि अस्वाभाविक योनि है। यह नियत क्रम के अनुसार नहीं, मृतक के मानसिक विग्रह के कारण मिलती है। भूत कभी अपना थोड़ा बहुत परिचय देते हैं, अन्यथा जन समाज से दूर किन्हीं एकांत स्थानों में अपनी वेदना छिपाए पड़े रहते हैं। विक्षिप्त दशा में होने के कारण वे कोलाहल से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अपना परिचय प्रकट करने की इच्छा तो किसी को और विशेष स्थिति के कारण ही होती है। फिर भूत बाध्या की इतनी चर्चा जो सुनी जाती है, वह क्या है? ऐसे प्रसंगों में भ्रम के भूत ही अलग रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि शंका डायन मनसा भूत, जिसे डर लगता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए घड़ा भी भूत बन जाता है। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लोटे। शाम को भूतों की कहानी सुनी कि रात को स्वप्न में मसान छाती पर चढ़ा। एक बार दो मनुष्यों में शर्त हुई कि रात को 12 बजे अमुक मरघट में कील गाड़ आए तो 50 रुपए मिले। वह मनुष्य रात को मरघट में सो गया। रात अंधेरी थी, जल्दी में वह अपने कुर्ते के कोने को कील समेत गाड़ आया। जब उठा तो उसे विश्वास हो गया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। उसने डर के मारे एक चीख मारी और बेहोश होकर वहीं मर गया। इसी प्रकार अनेक बार अपना भ्रम ही भूत का रूप धारण करके दुख देता रहता है। ऐसे भूतों से मन के सावधान हुए बिना
छुटकारा नहीं मिलता। जिन अशिक्षित जातियों में अज्ञान और अशिक्षा घर किए हुए होती है, उनको भ्रम के भूत अधिक आते हैं, किंतु सुशिक्षित परिवारों में प्रायः उन्हें स्थान नहीं मिलता। मृत आत्माएं जब प्रकट होती हैं, स्वरूप दिखाती हैं, तो वे शरीर निर्माण की सामग्री को उन्हीं व्यक्तियों में से खींचते हैं जिन्हें ये प्रेत दिखाई दें। प्रेतों को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वे स्थूल परमाणुओं को खींच सकें। दिखाई देने की जब उनकी इच्छा होती है तो वे सामने वाले के शरीर की बहुत सी सामग्री खींचकर अपना रूप बना लेते हैं। ऐसे समय पर डॉक्टरी परीक्षा करके देखा गया है कि उस मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है, तापमान और विद्युत प्रवाह घट जाता है, पाचन क्रिया और रक्त प्रवाह में मंदता आती है। जिन लोगों ने क्षति को पूरा करने के गुप्त अभ्यासों को सीख लिया है, उनकी बात दूसरी है। साधारण लोगों को भूतों का बार बार दिखाई देना अच्छा नहीं है। इससे उन्हें ऐसे शारीरिक झटके लगते हैं जिनके कारण वह खतरनाक दशा को पहुंच जाते हैं। यह परमात्मा की छिपी हुई एक महती कृपा है कि मृत और जीवित मनुष्यों के मिलने में भय की यह एक बाधा खड़ी की गई है। यदि वह न होती तो मृत व्यक्ति भी घरों में ऐसे ही बैठे रहते जैसे चिड़िया, चूहे, चींटियां या खटमल भरे रहते हैं। इससे मृत और जीवितों का आगे का विकास रुक जाता और मोह बंधनों में जकड़े हुए जहां के तहां पड़े रहते। प्रभु की इच्छा है कि सांसारिक झूठे रिश्तों के मोहपाश में अधिक न बंधे और कर्तव्य पालन करता हुआ निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। पीछे की भूमि पर से पांव उठा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमें पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर चलना है। भूत के पांव उल्टे होते हैं। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि वह आगे के लिए नए संबंध स्थापित करने की अपेक्षा प्राचीन संबंधियों के मोहजाल में बंध कर पीछे की ओर लौट रहा है। कभी कभी मनुष्य की शारीरिक बिजली के परमाणु स्वयं स्वतंत्र प्रतिभा बन जाते हैं। स्वभावतः आप किसी घर में घुसते ही वहां के निवासियों की स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि वहां रहने वालों के मानवीय तेज उस वातावरण में मंडराते रहते हैं और आपके मानसिक नेत्र इस बात को आसानी से पहचान लेते हैं कि यहां क्या वस्तु भरी हुई है। जिन स्थानों पर कोई भयंकर कार्य हुए हों, वहां मुद्दतों तक वैसा ही वातावरण बना रहता है। अग्निकांड, भ्रूण हत्या, कालादि ऐसे दुष्कर्म हैं जिनके कारण उस स्थान के ईंट पत्थर भी मूक वेदना से सिसकते रहते हैं। सताए हुए प्राणी की व्यथा साकार बन जाती है और जागृत या स्वप्न अवस्था में वहां के निवासियों को डराती है। कई मकानों को भूतहा समझा जाता है, वहां रहने वालों को भूत दिखाई देता है। ऐसे स्थानों पर किसी के अत्यंत हर्ष, द्वेष, क्रोध, दुख या ममता की साकार प्रतिमाएं ही प्रायः अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वास्तविक भूत कोलाहल से कुछ दूर और एकांत स्थानों में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। छोटी श्रेणी के भूत केवल मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं। डरा देना या बीमार कर देना यह उनके वश की बात नहीं। निर्बल शक्ति होने के कारण वे न तो अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं और न किसी की अधिक क्षति कर सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों पर इनका आघात प्रहार हो सकता है। दुर्वासनाओं का बाहुल्य रहने के कारण यह दूसरे के साथ बुराई ही कर सकते हैं, भलाई नहीं। मध्यम श्रेणी के भूत जो अधिक बलवान और आतुर होते हैं, वे अपने नाना प्रकार के रूप धारण कर प्रकट हो सकते हैं। वस्तुओं को इधर से उधर उठाकर ला और ले जा सकते हैं। किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार करके उसकी इंद्रियों से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तथा पागल या बीमार कर सकते हैं। ऊंची श्रेणी के वीर ब्रह्म राक्षस, वेताल, पितर आदि कुछ सहायता भी कर सकते हैं। वे छोटे भूतों का आतंक हटा सकते हैं, वर्तमान और भूतकाल की गुप्त घटनाओं को बता सकते हैं, बहुत पूछने पर भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत कहते हैं, पर वे बातें कभी कभी गलत भी सिद्ध होती हैं। शाप, वरदान देना भूत के वश की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितने आध्यात्मिक बल की जरूरत है वह उनमें नहीं होता। मनुष्य शरीर के एक एक कण में एक स्वतंत्र सृष्टि रच डालने की शक्ति भरी पड़ी है। यदि यह कभी विशेष मनोबल के साथ निकले हों और फिर वह स्थान सूना पड़ा रहे, तो बाधा रहित होने के कारण वे बीज बढ़ते, पकते और पुष्ट होते रहते हैं।
हजारों वर्ष पुराने खंडहरों में किन्हीं भूत प्रेतों का परिचय मिलता है। हो सकता है कि वे आत्मा अब तक अनेक जन्म ले चुकी हो और उनके पूर्व जन्म के यह कण उन भावनाओं की तस्वीर की तरह अब तक जीवित बने हुए हों। लेकिन ऐसा होता खाली मकानों में ही है, क्योंकि वहां उन प्राचीन कणों की स्वतंत्र वृद्धि करने में कोई बाधा नहीं आती। जो स्थान मनुष्यों के निवास केंद्र रहते हैं, वहां उनकी गर्मी उन प्राचीन प्रतिमाओं को हटा देती है या नष्ट कर देती है। किन्हीं तेजस्वी आत्माओं के शाप और वरदान एक स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं और वह भी जीवित मनुष्यों की तरह हानि लाभ पहुंचाते हैं। शंकर के कोप से वीरभद्र गणों का प्रकट होना, दुर्वासा के क्रोध करने पर उनकी जटाओं में से एक राक्षसी का निकलकर अम्बरीश के पीछे दौड़ना, इस प्रकार के मानस पुत्र भी मूर्त रूप हो सकते हैं। किसी की हाय इतनी साकार हो सकती है कि पिशाच की तरह सताने वाले का गला घोटने लगे। वरदान, आशीर्वाद, शुभकामनाएं चाहे हमें मूर्तिमान दिखाई न दें, पर वे देवता की तरह साथ रह सकती हैं और दुखद विपत्तियों में वे भुजा पकड़कर दृश्य या अदृश्य रूप से बड़ी भारी मदद मिल सकती है। कई मनुष्य कुएं में गिरने पर भी बेदाग निकल आते हैं, या ऐसी ही अन्य प्राण घातक विपत्तियों में वे साफ बच आते हैं। हो सकता है कि कोई आशीर्वाद उस समय हमारे ऊपर अदृश्य कृपा प्रकट कर रहा हो। इस प्रकार दूसरों के भले बुरे विचार भी भूतों की भांति अपने अस्तित्व का साकार या निराकार परिचय दे सकते हैं। इस प्रकार अनेक जातियों के भूत पिशाच संसार में मौजूद हैं। उसी प्रकार अदृश्य लोक में भी अनेक चैतन्य सत्ताएं विद्यमान हैं। यह अकारण हमसे नहीं टकराते। हमारे मानसिक विकार इन भूतों को अपनी ओर बुलाते हैं। भय, भ्रम, संदेह, आत्मिक निर्बलता, दुर्गुणों का बाहुल्य, इन सब कारणों से भूतों को अधिकार करने का अवसर मिलता है। यदि आपकी आत्मा निर्बल नहीं है, आत्मा पापों के कारण भयभीत और शंकित बनी हुई नहीं है, तो ये बेचारे भूत आपका कुछ भी अहित न करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।